आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। स्वागत है आपका लोकल टीवी न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी पार्क व उद्यान को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम और नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रथम दिवस को होने वाले आयोजन को सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ के एकत्रित होने की संभावना के मद्देनजर निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए गृह विभाग के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी DDC, ADM, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, JLNMCH के प्राचार्य एवं अधीक्षक, सिविल सर्जन, DRDA डायरेक्टर, DTO, सभी SDO, नगर आयुक्त, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी CO व थानाध्यक्षों को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों में उपस्थित लोगों को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि को भी प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व आयोजन के प्रबंधन का होगा। भागलपुर से कुमार छोटू की खास रिपोर्ट। डिपार्टमेंट का आया है, जितने भी पार्क हैं वो बंद रहेंगे नववर्ष के एक दिन पहले से लेकर के बाद तक। तो हम लोग डिटेल आदेश जो है वो आज निकालने जा रहे हैं, क्योंकि तो कोविड का और ओमिक्रॉन का खतरा है, तो हम लोगों को पर्याप्त सतर्कता बरतनी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे आप लोकल टीवी न्यूज के साथ, सब पर नजर, सबकी खबर। आज मेरा बर्थडे है, मैं भागलपुर बिहार में रहती हूँ। मेरे जन्मदिन के पर मैं सभी भारतवासियों से आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरा नाम सार्थक पचेरी वाला है, मैं अपनी शानवी दीदी को जन्म की बधाई देता हूँ। हैप्पी बर्थडे शानवी दीदी। हैप्पी बर्थडे शानवी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।